नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरे मैच का आज दूसरा दिन खेला गया। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीतेगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और इंग्लैंड को जैसी शुरुआत चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही शुरुआत मिली। दिन की दूसरी गेंद पर शतक जड़कर खेल रहे केएल राहुल आज के दिन में सिर्फ 2 रन बनाकर कुल 129 रनों के निजी स्कोर पर रॉबिन्सन का शिकार बन गए। राहुल के आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे के बल्ले से रन आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह भी जेम्स एंडरसन का शिकार बन गए। रहाणे सिर्फ 1 रन बना पाए। इसके बाद ऋषभ पंत ने आकर कुछ तगड़े शॉट जड़े। भारतीय टीम का 5वां विकेट 282 रनों पर गिरने के बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की। पंत अच्छे लय में दिख रहे थे और कमजोर गेंदों पर चौके भी जड़ रहे थे। इस मैच की प्लेइंग 11 को देखते हुए ये भारतीय टीम की आखिरी प्रमुख बैटिंग जोड़ी थी। ऐसे में इन दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने निराश नहीं किया और टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन फिर शानदार बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत 37 के निजी स्कोर पर चलते बने। छठे विकेट के लिए जडेजा और पंत के बीच 49 रनों की शानदार साझेदारी हुई थी। पंत को मार्क हुड ने आउट किया। इसके बाद मोहम्मद शमी को मोहन अली ने बिना खाता खोले चलता किया। इस समय भारत का कुल स्कोर 336 रन था। दोस्तों इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत में रविंद्र जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट जड़े, लेकिन वह 40 के निजी स्कोर पर आउट हो गए और भारत की पहली पारी 364 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट चटकाए, जबकि रॉबिन्सन और मार्क हुड को 2-2 विकेट मिले। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को दोनों सलामी बल्लेबाजों ने सदी भी शुरुआत दी। इंग्लैंड ने 14 ओवर तक कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने आते ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। टी ब्रेक के बाद दूसरी गेंद पर भारत को पहली सफलता मिल गई। सफलता दिलाई मोहम्मद सिराज ने, जिनकी अंदर आती गेंद को सिबली ने फ्लिक किया, लेकिन इसे जमीन पर नहीं रख सके और शॉर्ट मिड विकेट पर राहुल ने तेजी से आता कैच लपक लिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर सिराज को एक और सफलता मिल गई और शिकार बने हसीब हमीद, जो करीब 5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। पहली गेंद पर सिराज ने उनके स्टंप्स को टारगेट किया और हसीब ने गेंद को इनस्विंग के लिए खेला, लेकिन ये सीधी निकली और हमीद के बल्ले को छकाते हुए सीधे स्टंप में घुस गई। इस तरह मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों में 2 विकेट झटके। इसके बाद इंग्लैंड की पारी को बचाने और संभालने की जिम्मेदारी एक बार फिर कप्तान जो रूट के कंधों पर आ गई, जिन्होंने सिराज को हैट्रिक लेने से रोक दिया। दोस्तों इसके बाद जो रूट ने रॉरी बंस के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने साझेदारी को आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी, लेकिन इसके बाद मोहम्मद शमी ने भारत की मैच में वापसी कराई। काफी देर के बाद मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में वापसी हुई और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर भारत को सफलता दिला दी, जिसका भारत को काफी देर से इंतजार था। शमी ने बंस को LBW आउट किया। दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरा और दूसरे दिन के अंत के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन है। जो रूट 48 और जॉनी बेयरस्टो 6 रन बनाकर नाबाद लौटे, तो वहीं भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट झटका। दोस्तों क्या टीम इंडिया ये मैच जीत पाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।